तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज की इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरी आवाज़ आप तक शानदार तरीके से पहुंच रहा होगा। और ज़रा कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। पंकज यादव जी नमस्कार करते हैं, दीपक जी नमस्कार करते हैं, बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं। ये देखो सामने दिलीप कुमार जी हैं, है ना। दिलीप कुमार जी शानदार डीपी लगाए हुए हैं एकदम, है ना, यंग एनर्जेटिक। ओके नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार जी। गौतम शर्मा जी वाह। तो आज का सेशन आपके एज ए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक नया सेशन होगा क्योंकि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को नमस्कार। दूसरा नमस्कार, गुड इवनिंग सर। हाँ जी नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। दूसरा बात यह है कि हम लोग जो है ना मॉर्निंग में भी एक सेशन शुरू करने वाले हैं, मतलब एक रात को सेशन करेंगे, एक सुबह सुबह सेशन शुरू करेंगे। तो आप लोग जरा व्हाट्सएप पे सजेशन दे दीजिएगा मॉर्निंग में कौन सा टाइम अच्छा रहेगा सुबह, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन बहुत सारे आ रहे हैं तो एक सेशन से जो है पूरा चीज़ें जो है कवर होना मुश्किल हो जाएगा, कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। तो हम लोग सुबह भी एक सेशन करेंगे, भले ही सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ करेंगे, लेकिन सेशन करने से क्या होता है कि आप लोगों को रिवाइज हो जाता है और जब बातचीत करते हैं तो जो चीज़ दिमाग में चला जाता है तो फिर वो स्थिर हो जाता है और आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल प्रमोशन एग्जाम के दिन, जिस दिन फाइनल एग्जाम होगा उस दिन करेंगे। तो आज के सेशन में हम ईज गाइडलाइन पर बात करेंगे। ईज जो नया अभी चल रहा है वर्जन 5.0, इसके गाइडलाइन पे बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और इसकी महत्ता क्या है और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या सवाल आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ ईज गाइडलाइन, जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से और एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईज गाइडलाइन क्यों जारी किया गया, इसके पीछे का मकसद क्या है और इसमें से क्या हमें ध्यान रखना है एज ए बैंकर और कौन कौन से सवाल इसमें प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ ईज गाइडलाइन के सफर पे। और सबसे पहले अगर ईज गाइडलाइन के बारे में जानना है तो पहला सवाल तो ये हो जाता है, क्या जो स्क्रीन पर है, ये वाला स्क्रीन पर है ईज का जो है फुल फॉर्म, ईज का फुल फॉर्म जो होता है एक सवाल बन जाता है आपके प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईज। तो ईज जो होते हैं आजकल कैसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, अगर आपके प्रमोशन एग्जाम में पूछेगा तो बोलेगा ई ए एस ई, ईज में से आपका ए क्या है पूछेगा या एस क्या है ये सब। हाँ जी हाँ, अरे वाह सादर नमस्ते नमस्ते, अरे वाह आ गए ग्वालियर के राजा, अरे वाह आप हालचाल ले लें आपसे फिर तो फिर, है ना, वाह बहुत बढ़िया एकदम। चलिए तो ईज में पहला जो चीज आपको नोट करना है डायरी पर या ध्यान में रखना है वो है ईज का फुल फॉर्म। तो ईज का फुल फॉर्म है आपका जो ईज गाइडलाइन के फुल फॉर्म के लिए आजकल क्या पूछ रहा है कि ए का फुल फॉर्म पूछेगा इन्हांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस, इन्हांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस इसको बोलते हैं ईज। तो एक प्रतिस्पर्धात्मक इंडस्ट्री में होने के लिए भारत सरकार ने ईज गाइडलाइन की शुरुआत 2018 में की गई थी और इसके पीछे का जो उद्देश्य था, इस गाइडलाइन के पीछे का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि बैंकों के बीच एक प्रतिस्पर्धा हो, कि ये स्मार्ट बैंकिंग हो और जनमानस के सुविधाओं को आसान बना सकें। इसी उद्देश्य के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिकमेंडेशन किया था और इस रिकमेंडेशन के आधार पर इस गाइडलाइन की शुरुआत की गई थी। आपको याद होगा नवंबर 2017 के नवंबर माह में सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का एक मंथन हुआ था, एक मंथन ऑर्गेनाइज किया गया था
और इस मंथन के बाद एक फॉर्मूला पे काम किया गया था जिसमें सभी पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उनमें पूंजी लगाया जाए, कौन कितना पूंजी दिया जाए, उनके सिस्टम को उसमें संस्थागत तरीके से कितना स्वच्छ स्पष्ट पारदर्शिता और स्मार्ट बैंकिंग बनाया जाए, उसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए, उसके लिए सजेशंस लाए गए, उसके लिए स्टैंडर्ड लाए गए और एक कंपटीशन तैयार किया गया। जब भी आप प्रतिस्पर्धा में रहते हैं ना, तो प्रतिस्पर्धा में रहने पर आप क्या करते हैं, दूसरे से अच्छा प्रयास करने के लिए, दूसरे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह का जो है इन्होंने क्या किया, इस गाइडलाइन के तैयार किया। और ये जो इस गाइडलाइन है जिसको इन्हांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस कहते हैं, इसके आधार पर बैंकों को नंबर मार्किंग की गई, सूचकांक मार्किंग किया गया, रैंकिंग की गई रिफॉर्म्स के तहत। और इस रैंकिंग के पीछे का जो उद्देश्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनमें एक संस्थागत रूप से स्पष्ट और स्मार्ट बैंकिंग की प्रणाली को लागू करना, कि जो स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग करेगा उसको रैंकिंग अच्छा मिलेगा, और जब रैंकिंग अच्छा मिलेगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, कैपिटल वगैरह गवर्नमेंट जो है देगी। तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो 2019, 20, 21, 22, तो 18, 19, 20, 21, 22, ये पांचवा जो ईज है। पहले ईज शुरू हुआ 1.0, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5। अभी सितंबर में ये जो है ईज गाइडलाइन का 5 लॉन्च हुआ। और इसके पीछे जो पीएसबी हैं, इनमें एक कंपटीशन तैयार किया जाएगा और इस कंपटीशन के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। इसके पीछे का मकसद यही है। मकसद क्या है, एम्ड एट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग, एक स्वच्छ संस्था के रूप में और स्मार्ट बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएसबी के लिए ये ईज रिफॉर्म बनाए गए। अब ईज रिफॉर्म एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है, जिसको इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया। तो आपके प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से पहला इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि ईज का फुल फॉर्म क्या है, ईज का फुल फॉर्म क्या है, इन्हांस एसेस एंड सर्विस एक्सेलेंस फुल फॉर्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ईज इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है ना, तो कंद कतला नरेश जी, है ना, वाह बढ़िया एकदम। तो ईज जो प्रिपेयर किया जाता है इंडेक्स, वो प्रिपेयर करता है आपका इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को। तो ये दोनों याद रखना है आपको, ईज इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, पूछेगा तो द ईज इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA एंड द बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, इट इज कमीशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। कई बार सीधा सवाल पूछता है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब ईज गाइडलाइन क्या है, जैसे कि हम लोग अभी चर्चा के दौरान बता रहा था, एक फ्रेमवर्क है जिससे पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत बनाना है, उनके अंदर रैंकिंग के माध्यम से एक मैट्रिक्स तैयार करना है और उस मैट्रिक्स के आधार पर एक प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिंग में लाना है, जिस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आप ग्राहकों के जीवन को सरल बनाएंगे, बैंकिंग की पद्धति को आसान तरीके से बना के ग्राहकों तक पेश करेंगे। तो इन्हांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस, इट वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत जो की गई थी उसके पीछे का जो मकसद था, आपने देखा सरकारी बैंकों को मजबूत करना, एक मंथन किया गया, उनमें पूंजी लगाएगी सरकार तो उसके आधार पर रैंकिंग करेंगे, और सामान्य सुधार एजेंडा, जो सुधार एजेंडा है उसके आधार पर उसको सूचकांक प्रदान करना। और ये इसमें जो इन्हांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस में किन चीज़ों को देखा जाता है, कस्टमर रिस्पॉन्सिव, कौन सा बैंक है जो कस्टमर को रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग कौन सा बैंक करता है, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट रेज होता है तो कितने दिनों में रिजॉल्व करते हैं, कितनी आसान तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं,
पारदर्शिता के साथ जानकारियां प्रदान करते हैं, क्रेडिट ऑफ टेक किस तरह से होता है और एमएसएमई में जो उद्यमिता है उसको किस तरीके से बढ़ावा देते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, डिजिटलाइजेशन को कैसे बैंक एक्सपेंड कर रही है, इस तरह की जो गवर्नेंस है उनका एचआर पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के एजुकेशन पे कितना काम कर रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं इस गाइडलाइन के अंदर हैं और इन सभी के आधार पर उनको जो है मार्क्स दिया जाता है, उनको एक सूचकांक दिया जाता है और फिर उसके बाद उनकी रैंकिंग की जाती है। तो अगर हम अभी बात करेंगे ईज 2.0 का रैंकिंग, तो आप देखिए रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, मतलब जैसा कि हम अभी बताते हैं ईज गाइडलाइन के जो एजेंडा हैं, वो एजेंडा या थीम जिसको बोलते हैं, वो थीम क्या क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग करता है। तो सबसे रैंकिंग किया गया, देखिए रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट रहा 2.0 में। एमएसएमई को उद्यमिता मित्र, मतलब उद्यम को बढ़ाने के लिए जो अच्छा यूजर फ्रेंडली है वो एमएसएमई के लिए, उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कस्टमर रिस्पॉन्सिव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डीपनिंग एफआई एंड डिजिटाइजेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा। क्रेडिट ऑफ टेक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और गवर्नेंस एंड एचआर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और टॉप थ्री बैंक जिन्होंने इम्प्रूवमेंट किया पीछे जो 1.0 का जो ईज था उसमें देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इनहांस किया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक। लेकिन टॉप थ्री बैंक जो है 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थे ये 2.0 में, लेकिन अभी चल रहा है 5.0। अब बात करते हैं अगर 3.0 की बात करें तो हर ईज में क्या होता है, इनका एजेंडा और इनका जो थीम है वो बदल जाता है, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को किस तरह से उनके जीवन को सुविधाजनक बनाया जाए उसके लिए ईज लाइन में, अभी ईज गाइडलाइन में डाटा ड्रिवन पब्लिक सेंटर बैंक की बैंकिंग की जा रही है, डिजिटल ड्रिवन बैंकिंग की जा रही है, ऐसी बैंकिंग की जा रही है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या हमारा स्टाफ इन्वॉल्वमेंट कम हो और ग्राहक जो है खुद ही जो है सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से कर ले, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो है बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके लिए एक कंपटीशन तैयार करने के लिए इसके थीम लाइन दिए गए थे। क्या थीम लाइन था 3.0 का, स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, हार्ड वायरिंग साउंड बैंकिंग थ्रू आईटी सिस्टम, टेक इनेबल ईज ऑफ बैंकिंग, गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर। तो ये थीम थे और इसमें डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी, एंड टू एंड डिजिटल रिटेल एमएसएमई लैंडिंग, साथ ही साथ सारी जो अल्टरनेटिव डाटाबेस एंड लैंडिंग है। आप देखे होंगे पिछले 5 वर्षों से और अभी के बैंकिंग में कितना बड़ा बदलाव आ गया। ये बदलाव आया क्योंकि गवर्नमेंट जो है सीधे सीधे बैंकिंग पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देश की आर्थिक विकास धारा में बैंक को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। उन रिफॉर्म में से एक रिफॉर्म जो है ये सक्सेशन प्लानिंग के तौर पर कि बैंक में जो काम करने वाले स्टाफ हैं वो इस बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे मजबूती से ले जा सकते हैं, इसके लिए एचआर पर, आउटकम सेंट्रिक एचआर और गवर्नेंस पर कौन सा बैंक ध्यान दे रहा है इसके आधार पर उनकी रैंकिंग की गई थी। और उसमें टॉप थ्री बैंक देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक थे 3 में, अभी चल रहा है 5 और पिछले सितंबर में 4 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, वो भी आगे स्क्रीन में हम बताएंगे। तो 3 के जो थीम थे स्मार्ट लैंडिंग और एस्पायरिंग इंडिया था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा प्राय जो है नंबर 1 या टॉप 3 में चल रहा है। टेक इनेबल इज ऑफ बैंकिंग है, गवर्नेंस ये सारे में आप देख लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी सभी में है। तो अगर टॉप 3 की बात करें तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये 3.0 ईज गाइडलाइन के हिसाब से। अब लेकिन 4.0 का जो एजेंडा है वो देखिए, 4.0 का एजेंडा था स्मार्ट लैंडिंग एक एजेंडा था जिसमें डायल ए लोन फॉर डोर स्टे फैसिलेशन है ना दिलीप कुमार जी, अगर आपके बैंक से कोई ग्राहक जो है लोन लेना चाहता है तो केवल एक फ़ोन पे डायल करेगा और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारी ये
कंद कतला नरेश जी ना पहुंच जाएंगे उसके घर। ये देखो मैं नरेश आ गया आपके द्वार पे, बताइए सर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं डायल ए लोन फॉर डोर स्टे फैसिलेशन। एक बार ग्राहक ने ना मिस्ड कॉल कर दिया, किसको, बैंक के नंबर में मिस्ड कॉल फैसिलिटी। मिस्ड कॉल फैसिलिटी जैसे आए ना, तो वहां पे जो डाटा सेंटर में बैठे हैं महानुभाव लोग सीधे भेज देंगे कंद कतला नरेश जी को। कंद कतला नरेश एकदम अपना बुलेट लेके पहुंच जाएंगे, सर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ सर, कितना लोन चाहिए, है ना। तो ये फैसिलिटी है। साथ ही साथ क्रेडिट क्लिक, जिसमें कि डिजिटल मोड से रिटेल एमएसएमई नए बैंक कस्टमर को कैसे पहुंचाया जाए, एनालिटिक बेस्ड क्रेडिट ऑफर है। मतलब किसी ग्राहक के लेन देन को एनालिटिक्स के आधार पर उनको एनालिसिस करके उनको क्रेडिट का ऑफर दे दो। आपने देखा होगा ना कई सारे बैंक हैं, है ना। कंद कतला नरेश जी, आपका नाम बार बार बोल के मैं बोलने लग जाऊंगा, ठीक है। तो आपसे बाद में पूछेंगे भी कि आप अपने नाम का मतलब बताओ। एक तो नरेश समझ में आ रहा है कि आप एकदम कर्नाटक के राजा हो ऐसा लगता है ना, है ना, मैसूर के राजा। तो ये जो ईज गाइडलाइन है ना, ईज गाइडलाइन में आप देखे होंगे एक एनालिटिक्स स्पेस क्रेडिट ऑफर सिस्टम जो है 2019-20 से चालू हुआ है। वो क्या है, एक सिस्टम बनाया गया है जो ग्राहकों के ट्रांजेक्शन या उनके डाटाबेस को जांचते रहता है और उनको प्री अप्रूव लोन ऑफर दे देता है। प्री अप्रूव लोन ऑफर 10 सेकंड में खाते में पैसा क्रेडिट, सर आपका 2 लाख रुपये पर्सनल लोन सैंक्शन, प्री अप्रूव्ड है। तो आप जाके आप अपने मोबाइल बैंकिंग पे जाके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन ECS मैंडेट रजिस्टर कर लीजिए और फिर आपको पैसा जो है आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी पे 24/7 पे कितने सारे आपने ऑटोमेशन किया है। डाटा इनेबल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग चालू किया, अभी आपने देखा होगा 75वीं आर्थिक जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, उसमें मोदी साहब ने कई स्टेट में, जैसे इसमें से एक मध्य प्रदेश है और दूसरा तमिलनाडु है, इन स्टेट को पायलट तौर पे किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन लेंडिंग शुरुआत करी गई है। किसान को अब दिलीप कुमार जी से मिलने की ज़रूरत ही नहीं, ये दिलीप कुमार जी बड़ा घुमाते हैं जी, है ना, कल आना परसों आना, खुद भी नहीं, अब परसों खुद भी नहीं आते। तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन बेस कर दिया उनको और ऑनलाइन जो है सीधे उनको ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एंड सैंक्शनिंग पूरा कर दिया। फिर आता है एक कोलैबोरेटिंग विद फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो ये थीम थे 4.0 के, और 4.0 में ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिफॉर्म लाने के लिए आप देखे होंगे बैंकों को मजबूत बनाने में की दिशा में बहुत सारे काम किए गए हैं। अब तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इज 4.0 के जो विनर हैं, है ना, तो तालियां चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 1 पर है जी। तो लगातार जो है बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप 3 में है और 2-3 बार तो टॉप में है। और यहाँ भी 4.0 का जो विनर है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है नंबर 1 पर है। सेकेंड पोजीशन कैनरा बैंक है और थर्ड पोजीशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इज 4.0 के जो थीम के आधार पर जो विनर हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 1, कैनरा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इज गाइडलाइन में जो 5.0 लागू किया गया है इज में, उसके जो पैरामीटर देखिए, उसकी थीम देखिए, क्योंकि 2018 से चालू हुआ, 2018 में 1, 19 में 2, 20 में 3, 21 में 4 और 22 में 5 ईज 5.0। तो ईज 5.0 में जो फोकस किया गया है वो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, मुख्यतः 3 चीज़ों के ऊपर। बाकी तो थीम वाइज हम चर्चा करेंगे ही, थीम वाइज ज़्यादा है, लेकिन 3 क्या है, इन्हांस डिजिटल एक्सपीरियंस, डाटा ड्रिवन बैंकिंग और इंक्लूसिव बैंकिंग, जिसमें सोशल सिक्योरिटी भी हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो और इन्वेस्टमेंट भी हो, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव बैंकिंग। तो ये 3 चीज़ों पे फोकस करने हैं और तीनों में से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण दिया गया है उनको डिजिटल एक्सपीरियंस को ग्राहक को देना है। अब
ये एनहांस डिजिटल एक्सपीरियंस का जब हम मकसद जाते हैं तो उसमें एक बात आता है, जमा निकासी का तो सामान्य तरीके से हम पहले से ही ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन इसमें प्रमुखता दिया गया है कि लेंडिंग फैसिलिटी को एक्सटेंड करना है। इनहांस एसेट्स एंड सर्विस एक्सेलेंस 5.0 में जो महत्वपूर्ण चीज जो इम्पोर्टेंट दिया गया है उनमें बोला गया है लेंडिंग पार्ट। लेंडिंग पार्ट में कि वो ग्राहक को जो है ऑनलाइन लेंडिंग किस तरह से मिले, टैक्स और कंप्लायंस कर पाए आपके खाते के साथ, सर्विसेज डेबिट कार्ड चेकबुक अदर सर्विसेज सारा चीज़ें पा सके, फिर अपने बिजनेस को मैनेज कर सके, एक डैशबोर्ड मिल जाए उसको, जिस तरह हम लोग बैंक में जाके हमको एक डैशबोर्ड मिलता है काम करने के लिए, ठीक उसी तरह एक ग्राहक को भी एक बैंकिंग का डैशबोर्ड मिल जाए, और ट्रेड एंड फॉरेक्स वगैरह सारा चीज़ करें, नेटवर्किंग वगैरह सारा उसको काम करे, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ये डाटा साइंटिस्ट, ये सब चीज़ जो है 5.0 के थीम है। तो कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन फॉर स्मॉल बिजनेस, अगर देश में कोई युवा होनहार उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस करना चाहता है तो उसको डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, एनालिटिक्स के माध्यम से अगर हमारे कंद कतला नरेश जी के पास ऑफर आने लग जाए कि सर आप 30 लाख लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप ये व्यापार करिए वो व्यापार करिए, कितना अच्छा लगेगा ना कंद कतला जी, आप कितने परेशान थे, एक ग्राहक जो है कितना हुनर था उसके पास, एक प्रोजेक्ट है, और जब भी बैंक के पास जाता है बैंक मैनेजर सुनता ही नहीं है, है ना, क्योंकि वो बिजी रहता है बहुत, है ना, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और अगर मान लीजिए कंद कतला जी सुन भी लिए तो बोले सर मेरे को 25 लाख लोन दिया है, 25 लाख क्या करोगे यार 25 लाख, इस तरह की बातें आती है, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन, मतलब अगर वो बोल रहा है सर 25 लाख तो सारी चीज़ें उसको ऐप के माध्यम से आ जाए, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड एनालिटिक्स उनके पास बैकग्राउंड हो, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक को उसके बैंकिंग जीवन को आसान बनाने के लिए जो भी ज़रूरत है उसके लिए ये थीम दिया गया, और ये थीम जो है 6 ग्रुप थीम्स है जिसमें कि इस गाइडलाइन की शुरुआत की गई थी, जिसमें कोलेब्रेशन अमंग्स PSB, आप देखे होंगे PSB में काफ़ी कोलेब्रेशन हुआ है ना जी कंद कतला जी, कोलेब्रेशन क्या हुआ है PSB के लिए, PSB 59 मिनट्स में लोन, है ना, फिर PSB के लिए अभी डोरस्टेप बैंकिंग का एक अलायंस कोलेब्रेशन वाला फैसिलिटी शुरू हुआ है कि नहीं, सब PSB में के लिए एक अलग से फैसिलिटी चालू हुआ है, तो ये कोलेब्रेशन हो PSB में, साथ ही साथ उनमें बेस प्रोग्राम हो ताकि फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट्स हो सभी ग्राहकों के लिए हो, एक स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग की पारदर्शिता के साथ एक स्वच्छ और स्वस्थ स्पर्धा तैयार करने के लिए PSB बैंकों के साथ एक कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बनाई गई इस गाइडलाइन के आधार पर, ताकि प्लेटफॉर्म एक है, जनता एक है, जगह एक है, कस्टमर एक हैं, तो उनमें एक कंपटीशन तैयार हो कि कौन बेहतर सर्विस दे रहा है, कौन नियमों का बेहतर तरीके से पालन कर रहा है, इसके लिए रैंकिंग की जाती है, कौन अपने स्टाफ को अच्छा ग्रूम कर रहा है, कौन अपने स्टाफ को जो है सक्सेशन प्लानिंग अच्छा कर रहा है, तो इसके लिए सभी बैंकों को 3 पिलर प्रोग्राम दिया गया। पहला बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटजिक रोड मैप बनाया गया जो 1 से 3 साल स्ट्रेटजिक बिजनेस और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे काम करेंगे, जिसको इज नेक्स्ट में रखा गया है, साथ ही साथ कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा बनाए गए, जैसे PSB अलायंस बनाए गए, PSB के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए नॉर्म्स बनाए गए जो सभी बैंकों में चलता है, फिर PSB के लिए ऑन लैंडिंग फैसिलिटी की गई, जनसमर्थ पोर्टल भी जो सारे PSBs के लिए ऑनलाइन चालू किया गया, तो PSB कोलेब्रेशन जॉइंट कैपेबिलिटी बिल्ड शेयर एंड सेनर्जिक, ये PSB कोलेब्रेशन एक नया शुरुआत किया गया है 5.0 में, PSB कोलेब्रेशन जॉइंट कैपेबिलिटी बिल्ड शेयरिंग एंड सेनर्जीज। अब कंद कतला नरेश जी आप माइक ऑन कर लेंगे, जरा माइक ऑन कर लेंगे, जैसे दो बैंक हैं, हाँ मेरी आवाज आ रही है, आ रही है सर, आ रही, आपकी आवाज तो बढ़िया आ रही है, एकदम शानदार, कैसे हैं आप? हम ठीक है सर। ठीक है, अरे वाह, ये मजा नहीं आया, हमसे पूछिए आप कैसे हैं सर? शानदार, आप कैसे हैं सर? बेहतरीन है, लाजवाब है,
जबरदस्त हैं, और आपसे बात हुई तो और जबरदस्त सर। है ना, आप तो कर्नाटक के नरेश हो है ना। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पीएचडी ना सर, तेलंगाना का सर। तेलंगाना के हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो ये जो पीएचडी सर। कोलेब्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक जॉइंट कैपेबिलिटी बिल्डअप डाटा शेयरिंग सिनर्जीज चालू किया गया। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक ग्राहक का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है और स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा से बिना मांगे उसके अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाहे तो कैसे ले पाएगा? है ऐसे कुछ, है कुछ उपाय है, ले पाएगा? क्या लगता है कंदक? फिर से एक बार पूछेगा सर, बीच में आवाज थोड़ा कट रहा है। ग्राहक है, एक ग्राहक है, वो उसका खाता जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ठीक है, उसका लोन अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसका करंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, लेकिन अगर स्टेट बैंक अगर उसका अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाहता है, उसके अकाउंट को देखना चाहता है, तो कैसे ले सकता है बिना बैंक ऑफ बड़ौदा के? हेलो क्लास, कंद कतला जी ले पाएगा, कोई उपाय है, नजर आ रहा है? हाँ सर। कैसे नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। इसके लिए पीएसबी कोलेब्रेशन में ये ईज रिफॉर्म के तहत एक अकाउंट एग्रीगेटर करके बनाया गया, अकाउंट एग्रीगेटर जो दूसरे बैंक के भी अकाउंट्स को शेयरिंग कर देता है, उनको सिनर्जी कर देता है, इसीलिए वो जो है पीएसबी कोलेब्रेशन की जरूरत थी। वो बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर जो दूसरे बैंक के अकाउंट की भी डिटेल सारा प्रोवाइड करा देता है, उसके बाद आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, है कि नहीं? ये है अकाउंट एग्रीगेटर। हाँ सर। बात करते हैं इज नेक्स्ट के तहत जो इनहांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस की शुरुआत की गई है 2018 से, ये अब इज 5.0 के कॉमन एजेंडा रिफॉर्म पर फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए आया है, और इसमें एक कॉमन रिफॉर्म्स बनाया गया है जिसमें बैंकों को उनके थीम्स के आधार पर काम करना है और बेहतर प्रदर्शन करना है, उसके आधार पर उनको एक मैट्रिक्स के आधार पर रैंकिंग की जाएगी और उस रैंकिंग के आधार पर उनका जो है प्रतिस्पर्धा दिया जाएगा, और जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको क्या मिलता है, कैपिटल मिलता है, सरकार कैपिटल लगाती है। तो बैंकों के सामान्य सुधार एजेंडा के तहत बैंकों के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसमें बैंकों से ये कहा गया है कि सभी बैंक जो उनके पास बेहतर बैलेंस शीट हो, एक अपनी प्रतिस्पर्धा के तहत अपनी ताकत को बढ़ाने का इस्तेमाल करें और ग्राहक सेवा का समुचित व्यवस्था कर एक व्यापक और साहसिक तरीके से प्लेटफॉर्म खोलें जिससे कि देश का विकास हो पाए, लोग आगे आएं, और एक विशिष्ट रणनीतिक जो रोड मैप बनाएं, बैंक जो है 3 साल का एक रोड मैप बनाएं जिसके तहत वो अपने आस जिस जो भी उनके ग्राहक हैं उनका जीवन स्तर सुधार पाए, और पीएसबी में डिजिटलाइजेशन को एक पब्लिक के लिए लोन में खोला जाए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए जिसमें कि ग्राहक एक डिजिटल अनुभव के साथ इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव बैंकिंग पर बैंकों में ऑनलाइन में जुड़ पाए, और इनमें छोटी कंपनियां, गांव के लोग, एंटरप्रेन्योरशिप ये आगे आ जाएं, इसके लिए इस गाइडलाइन में मेन जो फोकस 5.0 में किया गया है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कस्टमर सेंट्रिक एफर्ट्स और कस्टमर सेंट्रिक रिफॉर्म्स पे ज़्यादा जोर देने के लिए कार्मिक व्यवस्था क्या है, एक स्टाफ कंद कतला नरेश जी में क्या बदलाव कर रहा है, या कंद कतला नरेश जी के स्किल्स में बढ़ावा देने के लिए आपका बैंक क्या एफर्ट्स कर रहा है, उसको भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसको बोलते हैं एचआर गवर्नेंस, कस्टमर सेंट्रिक एचआर गवर्नेंस, कि आपके कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए आपके बैंक में जो स्टाफ हैं उनको किस तरीके से काम किया जा रहा है,
ये बात के लिए भी मार्क्स दिए गए हैं। अब आते हैं इज नेक्स्ट के स्ट्रेटजिक रोड मैप की बात। सभी बैंकों को कहा गया है कि 1 से 3 साल का रोड मैप स्ट्रेटजिक बनाएं। और ये जो रोड मैप है ये क्यों बनाया जाए उसके लिए देखिए, ताकि जितने पीएसबीज हैं और इंडस्ट्री हैं, एक जगह पैसा है, बैंकों का काम क्या है, जहां पर सरप्लस पैसा है वो अपने पास लेना है और जहां पर डेफिशिएट पैसा है वहां पर उसको भेजना है, तो उसके बीच का एक ब्रिज पूरा करने के लिए पीएसबी और ओवरऑल इंडस्ट्री में गैप जो है उसको ब्रिज बनाने के लिए स्ट्रेटजिक रोड मैप बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही शॉर्ट और मिड टर्म एम्बिशन सेट करने के लिए बोला गया है, गोल सेट करिए आपके क्या अचीवमेंट्स होंगे, क्या आपका रोड मैप होगा, और सभी बैंकों को उनके जो कस्टमर के कॉन्टेस्ट में जो भी स्कीम्स लाई जाएंगी उसके लिए एक जर्नी पॉइंट तय करने के लिए बोला गया है, और एनालिटिक्स बेस्ड डाटा के इस्तेमाल के साथ पब्लिक को कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, उनके आय में वृद्धि कर सकते हैं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम मित्रता में कितनी वृद्धि कर सकते हैं, ये बात के लिए उन्होंने स्ट्रेटजिक रोड मैप बनाने के लिए कहा है। साथ ही साथ गवर्नेंस और जो स्टाफ हैं उनको कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, स्किल कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए रोड मैप बनाने के लिए इज नेक्स्ट में बात कही गई है। अब ये जो प्रोग्राम होगा 6 मैट्रिक अक्रॉस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर होंगे, जिसमें टारगेट डिसाइड किए जाएंगे, कुछ बेंचमार्क सेट किया जाएगा, कुछ इनिशिएटिव्स लिंक्ड करे जाएंगे इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, और डिटेल रोड मैप जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उनको जो है ग्रैनुलर डाटा से ट्रैकिंग की जाएगी। और ये जो है पूरा रोड मैप रहेगा, ओवरव्यू एजेंडा जो है, जिसमें आप उनके थीम के आधार पर, मैं बताया था जैसे कि 5 थीम है। पहला थीम क्या है, डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग, डिजिटल तरीके से कस्टमर को ऑफर आने चाहिए। इस 5 के जो एजेंडा हैं उनमें पहला है डिजिटली इनेबल कस्टमर ऑफरिंग, है ना जी कंद कतला जी, क्या मतलब समझते हैं आप इसका, थोड़ा मतलब बता दीजिए जरा। डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग मतलब कस्टमर के लेन देन को देखते हुए आपका मोबाइल ऐप ही ऑफर देने लग जाए उनको कि सर आप ना एफडी कर लो, है ना, क्या कर लो, एफडी कर लो सर, आप फायदा होगा, आप लोन ले लो सर, लोन ले लो, क्योंकि देखिए आपका जो है बिजनेस कर रहे हैं, आपको ऑफर देने लग गया सर, आप ये एग्रीकल्चर में ये ले लो, ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटली इनेबल कस्टमर ऑफरिंग। मैं कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल बैंकिंग है, एमएसएमई के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए खुला हो, डिजिटल ओनली प्रोडक्ट सर्विसेज हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, उनमें एंगेजमेंट हो, सर्विस एक्सलेंस थ्रू डिजिटल डिवाइसेस जो हो, ये डिजिटली हो सारा चीज। मतलब कंद कतला जी तो ऐसे ही टाइम रहता नहीं है इनके पास, हैं एक मैनेजर साहब हैं, एक कंद कतला नरेश जी हैं, तो ये मोबाइल ही उनसे बात करते रहे, सबको ऑफर देते रहे। आजकल वैसे भी नरेश जी आप बताइए, ग्राहक ज्यादा कहाँ रहता है, कस्टमर जो है ज्यादातर कहाँ रहता है, इधर ही रहता है, मोबाइल पे रहता है ना, मोबाइल पे ही रहता है, काउंटर पे रहता है सर, नहीं नहीं मोबाइल पे रहता है, अच्छा आप तो गांव में काउंटर पे रहता होगा, है ना, कुछ दिनों में वो भी काउंटर पे नहीं आएंगे, वो मोबाइल पे, ग्रामीण बैंक में काउंटर पे ज्यादा आते हैं ना, ठीक बात है, लेकिन जिस दिन वो सीख गए वो आएंगे उसके बाद, हाँ सर, नहीं आएंगे, क्योंकि जब इसके सीख जाएंगे तो वो नहीं आएंगे। तो पहला है डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग, दूसरा है बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, मतलब डाटा एनालिटिक्स के आधार पर कोई ऐसा फंक्शन स्पेसिफाई करना है बैंक में जिसके माध्यम से ग्राहकों के रिटेंशन को रोका जा सके, ग्राहकों को एक्वायर किया जा सके, और जो ग्राहक निष्क्रिय हैं उनको सक्रिय बनाया जा सके, उनके डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से उन्हें स्थिर हो गए हैं तो उनको गतिशील बनाया जा सके, है ना, माइक्रो सेगमेंट तक उनके टेस्टिंग हो, एनालिटिक ड्रिवन हो, और उनका डिटेक्शन हो, जैसे फ्रॉड होता है किसी खाते में, कभी भी वो ऑनलाइन पैसा नहीं निकालता है, लेकिन अचानक निकलने लग गया है तो सिस्टम ही उसको ब्लॉक कर दे, देख के यार ये तो हमारे कंद कतला जी तो साल भर में कभी ऑनलाइन नहीं किया, आज अचानक पैसा निकल रहा है, 1 निकला 2 निकला, ब्लॉक कर देगा सिस्टम, तो अच्छा रहेगा ना कंद कतला जी, इसको बोलते हैं
हर अकाउंट के एनालिटिक्स के आधार पर बैंकिंग जो है वो ऑटोमेटिक काम करेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पे इसमें जोर दिया गया है, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और कस्टमाइज मोबाइल बैंकिंग पर बात की गई है। कस्टमाइज मोबाइल बैंकिंग जो जिस तरह से हम अपने प्रोफाइल को सजाते हैं ना, प्रोफाइल को जैसे फेसबुक प्रोफाइल को सजाते हो आप, ठीक उसी तरह अपने और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सजाते हो, ठीक उसी तरह से बैंकों को कहा गया है कि मोबाइल बैंकिंग को भी ऐसा कस्टमाइज तरीके से सजा पाए, इसके लिए काम करने के लिए बोला गया है। और उसमें फैसिलिटी जो है फंक्शनल क्रॉस फंक्शनल सारी चीज़ें दिया गया है ना, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जैसे आज मूवी देखने का मन किया तो चलो भाई मोबाइल बैंकिंग से ही वहीं पर मूवी बुक करा लो, है ना। फिर अगला है कोलैबोरेटिव एंड डेवलपमेंट फोकस बैंकिंग। कोलैबोरेटिव एंड डेवलपमेंट फोकस बैंकिंग के तहत इसमें जोर दिया गया है, जैसे कि अगर अकाउंट एग्रीगेटर हैं जिसमें कि हम दूसरे अकाउंट को उनके इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं, उनका इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, इन्हांस डाटा प्राइवेसी को जो है पार्टनरिंग कर पाएंगे, उनको शेयरिंग कर पाएंगे, ये एग्रीगेटर्स होते हैं अकाउंट एग्रीगेटर्स। फिर कोलैबोरेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। कोई भी सर्विस देते हैं कंद कतला जी तो उसमें खर्चा होता है, होता है ना, खर्चा होता है। तो जब सारे पीएसबी के लिए एक वेबसाइट बनेगा, उस वेबसाइट पे ही कस्टमर ऑनबोर्डिंग होगा और सर्विसेज लेगा, जैसे कि उसी साइट पे जाके बैंक पसंद करेगा, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन तैयार होगा। इसीलिए ये ऑनबोर्डिंग फैसिलिटी, को लेंडिंग पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और क्लाउड टेक्नोलॉजी के तहत अकाउंट एग्रीगेटर के तहत ये सर्विसेज जो है एक स्वच्छ कॉम्पिटिशन तैयार करने के उद्देश्य से एजेंडा बनाया गया है। साथ ही साथ ये जो पांचवा एजेंडा है ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें एम्प्लॉई डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस पे काम किया गया है। ये वाला पार्ट जो है अभी आपने देखा होगा, प्रमोशन एग्जाम्स के उदाहरण देता हूँ कंद कतला जी, पिछले 3 साल में प्रमोशन एग्जाम्स जो उसका पैटर्न है काफी चेंज हो गया, हो गया कि नहीं? हाँ जी हुआ है कि नहीं? हाँ सर है, काफी हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है या इस रिफॉर्म के तहत ये चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय हायर स्केल में जा रहा है, प्रमोशन में नई जिम्मेदारी के लिए जा रहा है, वो इन सब पैरामीटर के आधार पर तैयार हो, नॉलेज लेवल पे, स्किल लेवल पे और मेंटल लेवल पे भी वो तैयार हो। इसीलिए एम्प्लॉई गवर्नेंस, जो कस्टमर सेंट्रिक एम्प्लॉई डेवलपमेंट गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, इसलिए देखे होंगे ज़्यादातर इंटरनल पॉलिसीज पे सवाल आते हैं, लेटेस्ट अपडेट पे सवाल आते हैं, लेटेस्ट रिफॉर्म्स पे सवाल आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे सवाल आ रहे हैं, गवर्नमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में जो जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं उन पर सवाल आते हैं। ये उनकी अपेक्षा रहती है कि बैंक में जो प्रमोशन के लिए जा रहा है वो इन चीज़ों को जानकारी रखता हो। तो एम्प्लॉई डेवलपमेंट थ्रू लर्निंग एक्सलेंस, लर्निंग एक्सलेंस, इनके पास ज्ञान हो, क्योंकि बैंक के मैनेजर या बैंक के कर्मचारी हर घड़ी वो निर्णय लेते हैं, इसलिए उनको एक लर्निंग एक्सलेंस हो। साथ ही साथ जो लीडरशिप ग्रूमिंग और डेवलपमेंट हो, लीडरशिप ग्रूमिंग और डेवलपमेंट हो, क्यों? क्योंकि आपको लीडरशिप और ग्रूमिंग डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप हमेशा ही एक ग्रुप को लीड करते रहते हैं। अभी कंद कतला जी बोले हैं कस्टमर किधर मिलते हैं, तो बोल रहे काउंटर पे मिलते हैं, तो काउंटर पे बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं, आपको लीड करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, उनको शांत करना है, उनका काम करना है, उनको एडवाइज करना है, उनको समझाना है, इसलिए तो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए ना बाबा, चाहिए ना, है ना जी कंद कतला जी, चाहिए बिल्कुल। तो ये है एम्प्लॉई डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस सिस्टम। तो ये ओवरव्यू है ईज 5.0 के एजेंडा में, जिसमें डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग पहला, बिग डाटा एनालिटिक्स तीसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी चौथा, कोलैबोरेटिव एंड डेवलपमेंट फोकस बैंकिंग और पांचवा, एम्प्लॉई डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। अब इसके आधार पर ये सारे चीज़ें दी गई हैं जिस पर रोड मैप तैयार होकर बैंकें जो हैं काम करेंगी और फिर इनका जो है इनका रैंकिंग किया जाएगा और रैंकिंग के आधार पर फिर उसमें टॉप रैंक वाले को बैंक जो है कैपिटल देती है, उनको जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मदद करती है।
और जो रैंकिंग में अच्छा नहीं करते फिर उनका क्या करेंगे, उनको मर्ज कर सकते हैं और कुछ विचार सोच सकते हैं उनको, है ना। तो ऐसे समय में जब ईस 5.0 है तो इसमें हमारा रोल क्या है फील्ड पे, जब हम फील्ड पे हैं तो हमारा रोल क्या होना चाहिए, कस्टमर को जो भी कस्टमर आते हैं उनको अनबोर्ड करिए, मोबाइल ऐप की तरफ चले जाए, है ना कंद कतला जी, सारे ग्राहक आपके पास रहते हैं ना, सबको मोबाइल, आप तो अपना काम बंद करके ना एकदम बढ़िया एक टीवी में लगा दीजिए, सर ये लो मोबाइल सीखो, सब मोबाइल सिखाइए घंटा, है ना। तो सबको मोबाइल ऐप, जो भी कस्टमर आता है सर मोबाइल लेके आए हो, लाओ मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, है ना, उनको सिखा दो एक ट्रांजेक्शन करा के, ऑनबोर्डिंग करा दो उनमें मोबाइल ऐप में, जितना कर सकते हो कर लो, मतलब ये हमारा रोल बनता है। दूसरा, उसी मोबाइल के माध्यम से डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट ओपन करने के लिए उनको प्रोसेस अवेलेबल कराओ, अगर आपके यहाँ पॉलिसीज में है या डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो ठीक बात, नहीं तो कुछ दिनों में आ ही जाएगा। ग्राहकों को डिजिटल चैनल के माध्यम के बारे में जानकारी प्रदान करिए, उनको डिजिटली सोर्सेस करने के लिए उनको तैयार करिए। ठीक उसी तरह एमएसएमई बेस्ड जो लोन है वो भी ऑनलाइन बोर्डिंग के तहत उनको प्रेरित करिए, डाटा क्लिनजिंग करिए, सीबीएस प्लेटफॉर्म पर अगर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जो उसका फॉर्म होता है, सीआईएफ बोलते हैं इन्फॉर्मेशन जो होता है, उसको अपडेट करिए ताकि ऑनलाइन तरीके से वो इन्फॉर्मेशन किसी भी स्थिति में जो भी हमारे एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हैं, गवर्नमेंट हैं, आरबीआई हैं, इनको डाटा उनको मिल जाएगा। तो एक रोल ये होता है कि यूजेस मोबाइल का, मोबाइल ऐप का ज़्यादा यूज़ हो, डिजिटल पेमेंट हो, साथ ही साथ डिजिटल मीडिया के माध्यम से लिंकेज हो, सभी जगह में उसका एक्सेप्टेंस हो, एमएसएमई लोन के एनालिटिक्स के आधार पर उनको ऑफर मिले, क्रॉस सेलिंग प्रमोशन कर सकें, क्रेडिट ग्रोथ मॉनिटरिंग सारा हो सके, और इन सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन एम्प्लॉय का कैसा हो, उसके लिए इंगेजमेंट सर्वे हो और ई लर्निंग की फैसिलिटी हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस ईज 5 में हमारा रोल बनता है कि सब में पार्टिसिपेट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के सेशंस में जो ईज गाइडलाइन हम लोग पढ़े हैं, ये ईज गाइडलाइन पे एक सवाल कम से कम आने की संभावनाएं हैं, और वो सवाल जो हो सकता है, एक तो फुल फॉर्म का हो सकता है, या तो ईज गाइडलाइन के एजेंडा का सवाल हो सकता है, या ईज में रैंकिंग कौन सा बैंक का सबसे नंबर वन है इसे हो सकता है। तो ईज बैंकिंग में स्मार्ट बैंकिंग और क्लीन बैंकिंग, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेंथन है बैंकों का, उनको करने के लिए ईज गाइडलाइन चालू किए गए हैं, और इनमें एक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए ये ईज गाइडलाइन शुरू किए गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे ईज, और इसमें से अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर आज का सेशन ये समाप्त करेंगे। अभी मैं आपको जो है 2 मॉक टेस्ट दूंगा जिसको आप लोग अभी करेंगे, और फिर उसके बाद कल जो है इम्पोर्टेंट 25 सवालों पे चर्चा करेंगे जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में, जो 25-26 तारीख को जो आप लोगों का एग्जाम है उसमें, उनमें से 80-90% सवाल हूबहू आ जाएंगे। तो कल 25 सवाल कर लेंगे या 30 सवाल कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट सवाल जो हम चर्चा करेंगे वो देखिएगा हूबहू आपके प्रमोशन एग्जाम में ऐसे सच आ जाएंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो आज हम पढ़ रहे थे ईज गाइडलाइन, और इनमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और हाँ जी, नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन जो है ही समाप्त करेंगे। बहुत सारे साथी तो सो ही गए हैं, वाल्मीकि जी है ना, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। जागो मोहन प्यारे, हाँ जी कंद कतला जी बताइए कौन सा चीज अच्छी लगी आज के गाइडलाइन में, क्या इम्पोर्टेंट है समझ में आया इसमें, कंद कतला जी माइक ऑन कर लीजिए आपका। सर मॉर्निंग सेशन कब से स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ मॉर्निंग सेशन भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि समय तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, आजकल छोटा दिन हो गया है तो सुबह उठते ही तो पूरा दिन खत्म हो जा रहा है, और रात को भी जब व्यक्तिगत जीवन में आप रहते हैं तो कई चीजें जो है आप आराम से करते हैं, जीवन भी तो जीना है मेरे दोस्त, है ना। तो एग्जाम भी जल्दी आ गया, सुबह भी सोच रहा, सुबह
भी देखते हैं, जितने बजे उठूंगा मैं लिंक दे दिया करूंगा। अगर मान लीजिए एक दो साथी भी जुड़ जाएंगे तो सेशन कर दिए रहेंगे, अगर जो नहीं देख पाए फिर ये सागर तो आ ही जाएगा, है ना, तो जो नहीं देख पाए वो बाद में देख लेंगे, नहीं तो राजीव नयन को उठा देंगे, है ना। विजय रजक जी हैं, कुछ लोग चार पांच लोग, ये दिलीप कुमार हैं, है ये कंद कतला जी हैं, ये तो तेलंगाना के महाराज, एकदम जग जाएंगे। टाइम क्या है सर, एक्सेस करते हैं ना दिस? हाँ टाइम जो है अपन करेंगे अर्ली मॉर्निंग करेंगे, 5 बजे से 7 बजे के बीच में, 5 से 7 के बीच में, ठीक है। अगर दो साथी भी आ गए तो हम सेशन कर देंगे, बस एक हाँ ना करने वाला चाहिए हमें, है ना सर, कर लेंगे हम लोग सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार हैं सर, परफेक्ट। उस सुबह वाले सेशन में हम क्वेश्चंस हल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 20-25 क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए ना, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मॉर्निंग में ही कर दीजिए। हाँ जी, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में कल से ही सर। हाँ कल से करेंगे, कल से कर लेंगे, है ना। सर जेआरजी बैंक का इंटरनल कुछ शुरू किया जाए? हाँ, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बैंकों के ना अभी आईबीपीएस के पास पेंडिंग है। अभी होगा क्या, ये नवंबर खत्म हो रहा है, ये हमारे महाराज हैं ना दिलीप कुमार, इनका एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद सबका एग्जाम एक साथ आ जाएगा। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की तैयारी चल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का सेशन भी करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का 10 दिसंबर को एक दो दिन बाद स्टार्ट कर लेंगे। और दूसरी बात ये कह रहा था कि आज के, हाँ विजय जी बोलिए, विजय जी हाँ माइक ऑन कर लीजिए। हम लोग का सर जेआरजीबी का नोटिफिकेशन आने वाला है सर जनवरी में। हाँ बहुत सारे बैंकों का ऐसे हिंट्स मिला है कि ये महीना समाप्ति पर या शुरुआत दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके बहुत सारे एग्जाम्स के डेट जो हैं वो आ जाएंगे, आईबीपीएस से डेट्स आ जाएंगे। अब फिर हमको ना समय पता नहीं चलता, ये साल भर से जुड़ा है राजू नैन, पता चला क्या राजू जी हैं, टाइम को पता चल रहा है? तो लग रहा है सर, मुझे तो लग रहा है सर कि मैं अभी जो है 2-4 दिन से जुड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है, इतना जल्दी समय बीत रहा है, देखते देखते समय निकल गया सर। समय निकल गया ना, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे आप साल भर से पढ़ रहे हो, नॉलेज लेवल में ग्रोथ तो आपका ज्ञान बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है आपको खुद पर, राजू जी बढ़ा है ना? यस सर। दूसरा, एक देखने का तरीका, पढ़ने का तरीका आप सीख जाओगे। आप जैसे ये राजू नैन सीख गए होंगे, ये शंकर जी सीख गए होंगे, है ना? यस सर। ये शंकर जी जैसे सुन सुन के भजन जैसे सुनने आते हैं ना, ये भजन जैसे तो ये भजन सुन सुन के ना ये प्रसाद पा गए है ना। तो ये मेरे को ये फोन किए थे सर, बैंक में ऐसा चीज आता है तो मैं फटाक से बता देता हूँ, मैनेजर को बता देता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर को बता देता हूँ, तो उन लोग बोलते हैं कहाँ से पढ़ते हो भाई, सर सब आता है मेरे को बताओ, है ना। तो ये अभी अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि वो प्रसंग आता है और ये एकदम चालू हो जाते हैं, फिर बताने चालू हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये होता है प्लेटफॉर्म का इफेक्ट, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, चर्चा ही चर्चा में आपको एक चीज सीखने मिल गया। और 365 दिन में अगर हम लोग 300 दिन अगर सीख लिए तो एक साल के अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, क्योंकि जो भी साथी हमारे साथ पिछले 6 महीने या 1 साल से जुड़े हैं, जनरल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होंगे, चेक से रिलेटेड, कस्टमर ग्रीवेंसेस से रिलेटेड, कस्टमर राइट्स के रिलेटेड, बैंकर्स ड्यूटी से रिलेटेड, एनआई एक्ट से रिलेटेड, आरबीआई पॉलिसी से रिलेटेड, ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, नॉमिनेशन से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। परिवर्तन होता है नई पॉलिसीज में, या भारत सरकार द्वारा अगर कोई नई योजनाएं चालू की गई हैं तो उन पर जो है चेंजेस होता है। तो कल सुबह शुरुआत करते हैं, सवाल करेंगे, ठीक है, सवाल करेंगे, और सवाल होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बुलेट पॉइंट में क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा। अगर उससे जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी में कोई चीज मुझे बताने लायक लगी एग्जाम दृष्टिकोण से तो वो रहेगा। तो सवाल डेली हम लोग कर लेंगे, तो एग्जाम तक आपके सवाल पास 200-300 सवाल आ जाएंगे, और फिर आप देखिएगा वो खजाना जो है ये सागर जैसा हो जाएगा, है ना। सागर मतलब 200-300 तो क्वेश्चन आपके लिए सागर जैसा हो गया, क्योंकि 60 सवाल आएंगे,
और जब सागर आपके पास आई गया है तो आप राज करोगे, हैं ये देखो राज कर रहे हैं सागर कुमार जी, है ना, ठीक है, ठीक बोले ना सागर जी। तो चलिए, तो और कोई बात कहनी है? विजय रजक जी क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, वही बोल रहे हैं कि सर हम लोग का जेआरजीबी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हम लोग भी अब लगे हुए हैं सर, आपका थोड़ा सा अब इस समय में बहुत थोड़ा योगदान आपका जरूरी है सर, जो इंटरनल हम लोग का थोड़ा छोटा है सर। हाँ, इन सब चीजों को मैं चाहता हूँ कि जो जो चीज हम छू नहीं पाए, जैसे एक उदाहरण के लिए सुबह उठ गए, थोड़ा सा मान लीजिए हल्का सा नींद भी आ रही, तो आप लोग थोड़ा नींद में सुनते रहिएगा, जैसे हम लोग उसमें एब्रीवेशन पे डिस्कस कर लेंगे, एब्रीवेशन पे डिस्कस कर लिए तो इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन पे डिस्कस हो जाएगा, डिस्कस हो जाने से फायदा क्या होगा, एग्जाम में उससे जुड़ा हुआ आएगा तो आप सही कर लोगे। किसी दिन हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन कमेटी पे डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन नए अपडेट्स बैंक के उस पर डिस्कस कर लेंगे, और किसी दिन जो जनरल बैंकिंग पे डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन एचआर से जुड़े हुए 10 सवाल भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सुबह हम लोग कोशिश करते हैं कि 5 बजे हम लोग जुड़ जाएं, ठीक रहेगा? ओके सर, हाँ सही है, 5 बिल्कुल सर, है ना। तो फिर और हम लोगों का सर इतना ज्यादा सर्कुलर निकल चुका है ना सर, कि मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हाँ, इतना जो है पर डे हम समझ रहे हैं कि 2-3 सर्कुलर निकल रहा है। एक सर्कुलर, हाँ एक सर्कुलर उठा के मैं डिस्कस कर लूंगा तो आपको पता चल जाएगा, आप डायरी लेके रखिएगा। मान लीजिए सपोज क्या होगा कि मान लीजिए मैं स्क्रीन नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, स्क्रीन नहीं बना पाया, अभी मेरे पास मान लीजिए ऐसा सर्कुलर की कॉपी है ना, और मैं आपके लिए स्क्रीन नहीं बना पाया, तो उस सर्कुलर पे इम्पोर्टेंट चीज मैं लिखा दूंगा आप लोग, ठीक चलेगा वैसा होगा? हाँ एकदम सही रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसा कॉपी लेके रखिएगा। मान लीजिए क्या होता है, जैसे जो मैं अभी आज का अभी का ये इमेज बनाया है ना, तो अभी का जो इमेज बनाने में इसमें समय लग जाता है, क्योंकि वो टाइप करना पड़ता है ना, टाइप करके फिर उसमें वो पिक्टोरियल फॉर्म में डालना पड़ता है, तो कई बार जो है आप उसको नोट कर लीजिएगा, वैसा वाला भी कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर, दूसरे बैंक का ढांचा तो हम लोग के पास है सर, हाँ तो वैसे तो इजी ही होगा, और पिछले बार सर हम एक साल पहले भी जुड़े हुए थे हम भी सर, तो थोड़ा अचानक नोटिफिकेशन जेआरजी बैंक का आ गया था, तो हम लोग का उस समय भी छूट गया था सर इंटरनल। ओके, तो वैसा कर लेंगे, ठीक है? तो 5 सवाल अभी मैं आप लोगों से 5 सवाल करता हूँ, जरा 5 सवाल का जवाब दे दीजिएगा, जिसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा बता दोगे, फिर हम लोग सेशन समाप्त करेंगे। तो सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इस रुक के जरा मैं इस अभी जो जो भी साथी जानता है वो बता देगा, और जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, वो जान जाएंगे, है ना? आप पूछेंगे सर, कारण कि एक ही समय में 3 लोग बताएंगे, कि एक ही समय में 3 लोग आंसर देंगे। नाम लेके पूछूंगा मैं, है ना? जी जी, तो ठीक रहेगा, नहीं तो हमारा बहुत लोग जानते भी होंगे ना, तो अच्छी बात है, जो जानते हैं उनका और पुख्ता हो जाता है, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाते हैं, ये भी हो जाता है। सही बात, चलिए बताइए कि आरबीआई को जो फ्रॉड रिपोर्टिंग की जाती है वो कौन से फॉर्म में की जाती है? फ्रॉड इंसिडेंट्स इज टू बी रिपोर्टेड टू आरबीआई इन विच फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट होता है? यस सर, एक आजकल ज्यादा जो है फ्रॉड हो रहे हैं, लोन से ज्यादा ऑपरेशनल फ्रॉड हो रहे हैं, तो जब भी कोई फ्रॉड होती है आरबीआई को रिपोर्ट की जाती है, कर जाती है ना, फ्रॉड रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? विजय रजक जी बताइए, याद है? नहीं तो पास कर दीजिएगा। विजय रजक जी आपको पता है तो ठीक बात है, नहीं पता नहीं, है? नहीं पता है, नहीं, आप नाम लीजिए, कौन किसी साथी का नाम ले लीजिए। इसको बोलते हैं FMR1, क्या बोलते हैं? FMR1 है। दूसरा सवाल कि सवाल ये है
जब भी कोई फ्रॉड होता है और वो फ्रॉड 3 करोड़ तक के फ्रॉड है तो उसकी रिपोर्टिंग जो है कौन से में एफआईआर की जाएगी, उसे कौन से जगह में की जाएगी, लोकल पुलिस में की जाती है? हाँ बताइए जी, लोकल पुलिस। ओके, विसिल ब्लोअर कौन होता है, हु इज द विसिल ब्लोअर, विसिल ब्लोअर क्या है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, विसिल ब्लोअर, रेफरी इन ए गेम, रेफरी इन ए गेम जो विसिल ब्लोअर, बिल्कुल यही है सर, यही है सर, यही है, यही है रेफरी इन ए गेम। यस सर। दूसरा है ऑडिटर, तीसरा है इन्फॉर्मर ऑफ एनी अनफेयर एक्टिविटी इन बैंक, एंड ए पर्सन हु ऑब्जर्व द फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। तीसरा नंबर सर। हाँ जी, सी सी। हाँ, एक पर्सन जो बैंक में कोई अनफेयर एक्टिविटी हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं विसिल ब्लोअर, है ना? ठीक है ना सर, सी। हाँ, विसिल ब्लोअर मतलब ए पर्सन हु इन्फॉर्म द अनफेयर एक्टिविटी ऑफ द बैंक, है ना? और ऑडिटर उसी के अंदर आते हैं, ऑडिटर लोग भी रिपोर्ट करते हैं, वो भी विसिल ब्लोअर होते हैं, है ना? लेकिन उनका रिपोर्ट आता है, लेकिन ये जो भी बैंक में अनफेयर एक्टिविटी हो रहा है उसको इन्फॉर्म करता है उसको बोलते हैं विसिल ब्लोअर, क्योंकि विसिल ब्लोअर जो है ना अपना नाम छुपा सकता है, लेकिन जो ऑडिटर होते हैं उन तो नाम ओपन रहता है, तो इसलिए विसिल ब्लोअर मतलब ये उसमें होता है, विसिल ब्लोअर होगा इन्फॉर्मर ऑफ एनी अनफेयर एक्टिविटी इन द बैंक, कोई भी इन्फॉर्म करेगा कि बैंक में ऐसा हो रहा है। दूसरा, अगर कोई लॉकर जो है 1 साल तक ऑपरेट नहीं हुआ है और कितने साल में, सॉरी कितने साल तक ऑपरेट नहीं हुआ है, मीडियम और लो रिस्क में है, तो उसका लॉकर ब्रेक ओपन किया जाएगा। एक लॉकर का जो कस्टमर है मीडियम और लो रिस्क में है, अगर वो ऑपरेट नहीं किया कितने साल तक, तो उसको ब्रेक ओपन किया जाएगा। लोकेश जी, 2 ईयर्स। अगर हाई रिस्क में तो 1 ईयर, और मीडियम थ्री ईयर सर। 3 साल तक अगर ऑपरेट नहीं किया तो ब्रेक ओपन कर सकते हैं, उसको नोटिस देके, नोटिस भेज के, है ना? और फ्रॉड आप रुपीज अबव 3 करोड़ इज टू बी रिपोर्टेड टू होम, पहला SBI, CBI, वर्ल्ड बैंक, होम मिनिस्ट्री, किसको रिपोर्ट करेंगे? CBI। अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो अपने हायर मैनेजमेंट ऑफिस को कितने दिनों के अंदर उसको इन्फॉर्म करना चाहिए? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन? 7 डेज में करना होता है। जैसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन होता है तो 7 दिन में रिपोर्ट करते हैं ना, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 7 दिन में, तो 7 दिन के अंदर हायर मैनेजमेंट को जो है बताना चाहिए। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोविजन इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड अमाउंट, फ्रॉड हो गया और उसमें प्रोविजन कितना परसेंट किया जाता है? 100%, 40%, 25%, 100% या 50%? हाँ जी, कितना परसेंट करेंगे? 100 सर, 100% करेंगे। ठीक है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट कितने महीने में हो जानी चाहिए? 3 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में या 6 महीने में? स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, फ्रॉड रजिस्टर्ड हुआ, तो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी का एक्सरसाइज जो है 3 महीने में हो जानी चाहिए। कितने महीने में हो जानी चाहिए? 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने। ये जो है आज हम लोग जो प्रिवेंटिव विजिलेंस 5-6 सवाल पूछे और जिसका आप लोगों ने जवाब भी दिया, तो इस तरह के चीजें जो है, एक सवाल और भी इसमें आ रहा है फ्रॉड प्रिवेंटिव मेजर से, एक सवाल देखो ये अभी भी 2-3 में आया,
कि प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट ऑपरेशनल रिस्क डू नॉट इंक्लूड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी चीज है जो ऑपरेशनल रिस्क में इंक्लूड नहीं होता। पहला क्रेडिट मॉनिटरिंग, एनपीए रिकवरी, ड्यू डिलीजेंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट ऑपरेशनल रिस्क डू नॉट इंक्लूड, बताओ। हाँ जी लोकेश जी, फिर से बताता हूँ, सवाल ये बोला गया है, ये सवाल 2-3 में आया था कि प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, मतलब निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सा गतिविधि है जो प्रिवेंटिव मेजर्स में नहीं आता है। पहला है क्रेडिट मॉनिटरिंग, तो क्रेडिट मॉनिटरिंग तो आएगा, अगर आप ठीक तरीके से क्रेडिट मॉनिटरिंग कर लेंगे तो आपका रिस्क कम होगा। दूसरा है कि ड्यू डिलीजेंस, अगर कागज पत्र को सही तरीके से देख लोगे, केवाईसी वेरिफिकेशन कर लोगे, आदमी सही है पता कर लोगे, तो भी वो ऑपरेशन रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। और चौथा है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आपका जो बैंक का नियम दिया गया है, नीति नियम का पालन कर लोगे तो भी वो मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स हो जाएगा। एक चीज इसमें दिया गया, एनपी रिकवरी, एनपी हो जाने के बाद रिकवरी करना वो प्रिवेंटिव कहाँ हुआ, वो तो बात वाला काम हुआ ना, है ना, करेक्ट एक्शन हुआ, वो करेक्ट एनपीए रिकवरी वाला बात है। ठीक है, तो चलिए आज रात्रि विश्राम करिए, मैं अभी एक मॉक टेस्ट अभी दूंगा तुरंत, और एक मॉक टेस्ट आधे घंटे बाद दे दूंगा, फिर आप लोग 12 बजे तक विश्राम कर लीजिएगा, 5 बजे फिर मिलते हैं कुछ सवालों के साथ, 20-25 सवाल सुबह कर लेंगे, चाय वाय पीते हुए आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए एक टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे। वैसे जैसे एक एक टॉपिक वाइज सवाल हम लोग क्लियर करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कल केवाईसी पे सवाल करते हैं तो केवाईसी पे सारा सवाल खत्म कर देंगे, एक दिन पीरियडिक, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहेगा सर, एक दिन जो है कस्टमर सर्विस पे सवाल खत्म कर देंगे, एक दिन जो है गवर्नमेंट बिजनेस पे सवाल खत्म कर देंगे, एक दिन सोशल सिक्योरिटी, ऐसा करके सीरियल वाइज करते हैं, ठीक है, और वो मॉर्निंग में करेंगे। और अब मुझे 4 साथी चाहिए, 4-5 लोग आ जाएंगे तो चल जाएगा, है ना, इसका मेरा तो पक्का है सर, एक मैं रहूंगा सर, मैं भी सर, मैं भी रह लूं, ओके, किसी किसी को मैं लिंक साझा कर दूंगा, सुबह फोन करके जगह भी देना होगा, है ना, लिंक सुबह साझा करूंगा। तो क्या होता है, कम से कम एक साथी होते हैं तो रिकॉर्डिंग हो पाता है, तो एक दो साथी, 5-6 साथी तो आ ही जाएंगे, फिर हम लोग चाय पीते पीते चर्चा करके एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। ओके ठीक है, तो आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह 5-7 के बीच में, तो पहला दिन है, थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, फिर एक बार सेट हो जाएंगे तब ये बढ़िया तरीके से होगा। और दिलीप कुमार जी, आपका 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 जो चिट्ठी है कल मिल जाएगा आपको, है ना, तो आप निवेदन करके जमा कर दीजिएगा, ठीक है, जी। मैंने बोला ना कि हमें चिंता नहीं करना है, है ना, चिंता करने से भगवान पर डाउट करना होता है, भगवान ने सृष्टि बनाई है ना, काफी अभी हम रात को सोएंगे वो ठीक करेगा, ठीक है जी सर, बस आपके सत्कर्म होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और आप जिस उद्देश्य के लिए धरती पर आए हैं किसी का बुरा मत सोचिए, नहीं सर, नहीं, और ना जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहिए, आपने अपना एक रोड मैप जरूर तैयार करिए कि मैं किस लिए धरती पर आया हूँ, अगर ये तय हो गया तो फिर आपका भगवान साथ है पीछे, पूरा अस्त्र शस्त्र लेके कृष्ण भगवान साथ में रहेंगे, ठीक है, आपने ये मकसद तैयार करना है कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ, अगर ये तैयार हो गया, मन तैयार हो गया, तो सारथी एकदम बिल्कुल, देखे ना अर्जुन लड़ाई करते रहता है, उनके रथ में सारथी कृष्ण भगवान रहते हैं, ऊपर वो जो ध्वज रहता है वहाँ हनुमान जी बैठे रहते हैं, सारे रक्षा करने वाले रहते हैं, ठीक है, तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए कंद कतला नरेश जी के अनुमति से ये सेशन समाप्त करते हैं, है ना, और फिर कल मुलाकात, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट।